नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर गोंडा से है, जहां पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि केंद्र के आम बजट का चारों तरफ अभिनंदन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार का आम बजट राजनीति से बहुत दूर है और ये बजट पूरी तरह से समावेशी है। वहीं राहुल द्वारा योगी पर टिप्पणी पर भी राजभर बोलते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आसमान की तरफ थूकने वालों का हश्र बुरा ही होता है और जन भावनाओं का आदर करना सीखे तब उनका और उनके पार्टी का हित होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष वैभव कुमार जायसवाल के नेतृत्व में ही अडानी के महाघोटाले के खिलाफ मंगलवार को शास्त्री चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान ही कार्यकर्ताओं ने कागज की तख्तियों पर स्लोगन लिखा कि मोदी जी शर्म करो, अडानी को नौकरी देना बंद करो, क्योंकि अडानी ग्रुप है काले धन की खान, मोदी सरकार गिरवी रख चुकी है और अपना मान सम्मान, ऐसा इनका कहना था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है। और वहीं आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा है कि जब से शेयर बाजार नीचे गिरा है तब से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो सरकार काला दिन विदेशों से लाने की बात कर रही थी वो अब अडानी को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार नीचे से जनता का पैसा गिरने का वो जो बात कही जा रही है वो सही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शेयर बाजार नीचे गिरने से जनता का पैसा डूब गया और इसके अलावा जो सरकारी पैसा शेयर बाजार में लगा था वो भी डूब गया है, इससे देश को भारी नुकसान हुआ। और इसके साथ ही सरकार अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा में ये बात उठाई कि अडानी का पासपोर्ट चेक किया जाए, क्योंकि भाजपा वाले अडानी के लिए नौकरी कर रहे हैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो परिस्थिति आर्थिक संकट की बन चुकी है, हम नहीं चाहते कि श्रीलंका और पाकिस्तान जिस तरह से बर्बाद हुआ उस तरह से हमारा देश भी बर्बाद हो जाए। हमारे देश की सरकार ने पूरे देश के खजाने को सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खोल दिया है। अडानी की शेयर जो दुनिया में टॉप 2 पर है था और अब टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गया है और LIC के ही माध्यम से और भी संस्थाओं के माध्यम से जो शेयर में दिया था वो पूरी तरह से डूब गया है, इसलिए सरकार टीम गठित कर जांच कर कार्रवाई करे। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है जो ये शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा है, इसके पीछे मोदी की और अडानी की साजिश है। जो ये काला धन लाने के लिए कहते थे वो टैक्स हेवन कंट्री के माध्यम से अडानी को सरकारी संपत्तियों को बेच करके और सरकारी उपक्रमों से जैसे SBI और LIC से लोन दिलवा करके और झूठा एक तिलक शेयर का बाजार को खड़ा किया इन लोगों ने। और जब इनका पोल खुला तो उस शेयर के बाजार को इन्होंने धड़ाम से नीचे गिरा दिया, जिसके वजह से जनता की गाड़ी कमाई जो शेयर बाजार में लगी हुई थी या सरकारी उपक्रमों का जो पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ था वह पैसा डूब गया और अडानी के जेब से होते हुए वो पैसा काले धन के रूप में स्विस बैंकों में जमा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र महाराजगंज जनपद के ही दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सभागार में आयोजित अमृतकाल बजट संगोष्ठी में हिस्सा लेते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा करते हुए अमृतकाल के बजट को ऐतिहासिक बताया और सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाने पर जोर दिया। राज्य मंत्री ने भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पार्टी को और मजबूत करने पर बल दिया है। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि देश का 75वां बजट अमृतकाल का लोक कल्याणकारी बजट है और देश में लंबे समय से इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ाने की मांग हो रही थी और इस सरकार ने उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। सरकार के इस कदम से मध्यवर्गीय
लोगों को भारी लाभ होगा। और इस बजट में महिलाओं के लिए महिला विकास सम्मान जारी किया गया और बजट में ही सभी वर्ग और तबके का ध्यान रखा गया है। और इस बजट हिंदुस्तान आने वाले 25 से 50 सालों तक के विकास की रूपरेखा है और आने वाले दिनों में ही दुनिया में भारत को सबसे शक्तिशाली बनाने का जो लक्ष्य है यह उसका प्रिंट आउट है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का $5 trillion इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें $1 trillion की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी। जो इस अमृत काल का आजादी का ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है वर्ष, इसमें ये जो पहला बजट पारित हुआ एक बहुत ही लोक कल्याणकारी बजट है और जिसके बारे में सारे प्रभारी मंत्रियों को उनके जिले में भेजा गया है इस बजट से लोगों को अवगत कराने के लिए, बजट पर परिचर्चा के लिए। तो इस बार के आगमन का उद्देश्य ही है बजट पर परिचर्चा करना। क्या सरकार की क्या योजना है, क्या उद्देश्य है हम लोगों तक जन योजनाओं? जो बहुत बड़ी मांग थी बरसों से कि इस बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब था जिसको बढ़ाने की बात हो रही थी, वो 5 लाख रुपया था, उसको इस सरकार ने बढ़ा के पिछले को समाप्त करके 7 लाख रुपया कर दिया। अब 7 लाख रुपया तक की जो इनकम है सरकारी कर्मचारियों की, अब उसमें इनकम टैक्स से उसको बरी कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी मदद जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी हुई, महिलाओं के लिए महिला विकास पत्र सम्मान जारी किया गया। कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा तबका नहीं, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, मजदूर हो, विकलांग हो, समाज से जुड़ा वो नौजवान हो, महिलाएं हो, उस हर तबके के लिए। और इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता कि ये बजट 2023-24 का नहीं है, ये बजट हिंदुस्तान के आने वाले अगले 25 से 50 साल तक के विकास का आप कह सकते हो कि उसकी रूपरेखा इस बजट ने निर्धारित किया है। अब खबर अमेठी से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में वर्तमान महिला ग्राम प्रधान गायब हो गई है। वहीं महिला ग्राम प्रधान गायब होने के क्षेत्र पे हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों ने महिला को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन महिला नहीं मिली, जिसके बाद घटना के 5वें दिन परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। वहीं ये पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ पर महिला पता बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से तलाश जारी है। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में घायल, इसको लेकर बताया जा रहा है कि महिला न्यायाधीश का सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचार के दौरान निधन भी हो गया है। और महिला न्यायाधीश पूनम त्यागी मेनपुरी जनपद में तैनात थी। बता दें आपको कि फिरोजाबाद जनपद में थाना खैरागढ़ के अंतर्गत आगरा लखनऊ पर उनके कार एक अज्ञात ट्रक से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिरोजाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में बता दें आपको कि डीजे पोक्सो एक्ट की महिला बताई जा रही हैं, जो न्यायाधीश को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचार के दौरान ही उनका निधन भी हो गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर के जेवर से ही बारात आनी थी और वहीं लड़की पक्ष ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, जिसके बाद दहेज के कार की मांग को लेकर ही शादी तोड़ दी गई है, ऐसी खबर सामने आई है। जिसकी शिकायत लेकर लड़की पक्ष के लोग थाने पहुंचे और मामले का संज्ञान लेकर पुलिस ने लड़के पक्ष को बुलाया और समझाने के बाद थाने के मंदिर परिसर में शादी, दोनों की शादी भी करवाई गई है। और लड़की के पिता राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि वो किशनपुर थाना क्वारसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी लड़की की गौतम बुद्ध नगर के जेवर से बारात आनी थी और हमने 1 साल पहले शादी तय की थी और 5 महीने पहले ही लड़की की गोद भराई हुई थी। शादी तय करते समय किसी भी तरह की कोई भी डिमांड नहीं की गई थी, लेकिन अब शादी से 4 दिन पहले उन्होंने कार और बुलेट गाड़ी की डिमांड करना शुरू कर दिया और शादी करने से
कर दिया, जिसके बाद हम सभी लोगों ने संबंधित थाने में पूरे मामले की शिकायत की और जिसके बाद पुलिस का पूरा सहयोग मिला और लड़के और लड़की के पूरे परिवार को बुलाकर समझाया गया और थाने के पास मंदिर में ही शादी करवाई गई है। बारात आने वाली थी साउथ से जेवर के पास। कितने दिन पहले रिश्ता तय करा था आपने? रिश्ता मेरा साल भर तय किया था सर, 5-6 महीने पहले गोद भरी गई। अच्छा, लड़की की कोई लेन देन की बात? सर पहले लेन देन की बात कुछ नहीं थी, रोटी बेटी थी हमारी। अच्छा, फिर उसके चार दिन पहले इन्होंने मना करा था साहब हमें पूरी गाड़ी चाहिए या पूरी गाड़ी नहीं तो पलट दीजिए। अच्छा, इस वास्ते इन्होंने मना करा है। उसके बाद सर हमने पुलिस प्रशासन का शासन उनका लिया, सहायता ली, सहायता तो उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। हम पुलिस प्रशासन से बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की है। बहुत अच्छे, हमारी मेरी बेटी की शादी हो रही है आज, आज ही के दिन बारात आ रही थी मेरी बेटी की। आज के दिन बारात आनी थी, आ रही थी। कहाँ से बारात आ रही थी? जेवर से। जेवर से। क्या नाम था लड़के का? मुकेश कुमार। तो अब शादी कहाँ पर हो रही है? अब थाने के सामने मंदिर में। मंदिर में, थाने के सामने। सहारनपुर पुलिस के द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सहारनपुर के एसपी देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि थाना नकुड़ पुलिस के द्वारा 15 घंटे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर कुलदीप के बेटे सुभाष को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार शातिर चोर कुलदीप के द्वारा स्कूल बोर्ड पर लिखकर पुलिस को भी चैलेंज किया गया था। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है और पहले भी चोरी की घटनाओं के कारण ही वो जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार चोर के कब्जे से 2 बड़े बैटरी का एक छोटा बटरा और एक इसके साथ ही एक LED और 3 छोटी बैटरी और एक छोटी मोटर को बरामद किया गया है। देखिए, दिनांक 5 फरवरी की रात को थानाकुड़ में आर्यन टैगोर विद्यापीठ में ताला तोड़ के चोरी करने की घटना को एक अभियुक्त ने अंजाम दिया था और थाना नकुड़ पुलिस ने 15 घंटे के अंदर अभियुक्त कुलदीप को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि जो भी चोरी का सामान था उसकी शर्त से बरामदगी की है। और अभियुक्त ने चोरी करने के साथ साथ स्कूल के बोर्ड पर एक तरह का चैलेंज भी दिया था कि पकड़ सको तो पकड़ लो, इसकी गिरफ्तारी की गई है। गत माह भी यही इस अभियुक्त ने चोरी की घटना को कारित किया था और गिरफ्तार होकर जेल गया था। वापस इसने इस घटना को कारित किया और SSP महोदय ने इस गुड वर्क के लिए थानाकुड़ पुलिस को 25,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां बाइक और ई रिक्शा में टक्कर हो गई और सवारियों से भरा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बताते चले कि ई रिक्शा पर सवार मासूम बच्चों महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए और वहीं स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ की हालत जो बताई जा रही है गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और वहीं ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है थाना क्षेत्र इकोना बाईपास के वीरपुर मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद बरेली के थाना प्रेम नगर के रहने वाले एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम अफसय खान उर्फ लकी है, जो कि भूड़ लल्ला मार्केट का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 35 साल है। बरेली पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने बताया है कि कई दिनों से वो अपनी मां से बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने की मांग कर रहा था, जिसे उसकी मां ने मना कर दिया और घटना के दिन भी बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने की बात को लेकर माँ से कहासुनी हो गई, जिसमें आरोपी गुस्से में आकर लोहे की सरिया से टुकड़े से ही अपनी माँ फरीदा बेगम की जान ले ली। सर पर सरिया लगने की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। मोहल्ला भूड़ लल्ला मार्केट के पीछे एक महिला रहती थी, जिसका मृतका का नाम था फरीदा बेगम। तो ये घटना 17 जनवरी को हुई थी और 18 जनवरी को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें शुरू से ही इसके तब तक पुत्र जो अडॉप्टेड इसका सन है उसी पर ही शक था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अभी इसकी डिटेल्ड पूछताछ से और इंटरोगेशन के बाद इस व्यक्ति ने, इसी के पुत्र ने स्वीकारा है कि इसने 17 की शाम को 4:30 से 5:15 के बीच में अपनी माँ से
बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर पैसों की मांग की तो उसने माँ ने मना कर दिया। इसी बहस के बीच इसी पुत्र ने रसोई में स्थित एक सरिया रॉड से, लोहे की रॉड से अपनी माँ के सर पे दो चोट मारी जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अफसर खान जो कि इसमें अक्यूज्ड है, इसने घटना को छुपाने के लिए उस रॉड को नाले में फेंक दिया। फिर क्या के? फिर कहाँ चले गए? मार के वहीं रहे थे, कहीं चले गए थे? सिर्फ बुलेट बजा की हत्या करने की। तो कपड़े क्यों फैलाए? अच्छा, बुलेट लेना चाहते थे, बुलेट का शौक है, बुलेट चलाने का? सर शौक ही जा सकती है। और इसी खबर पर बरेली से हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मोटरसाइकिल ना दिलाने पर एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी है, बहुत ही दर्दनीय घटना ये सामने आई है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी मैम, ये मामला बरेली में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लड़के ने अपनी ही माँ को बुलेट मोटरसाइकिल ना दिलवाने पर नाराज होकर उसके सिर पर लोहे की रॉड से दो घातक वार करके उसे मौत की घाट उतार दिया। जी पवन, अभी पुलिस, जी पवन, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं आसपास के लोगों का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है? क्योंकि पहले भी वो डिमांड करता रहा है मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल ना मिलने पर उसने अपनी मां की ही हत्या कर दी है। आसपास के लोग, जिसने भी इस खबर को सुना वो स्तब्ध रह गया। लोगों का कहना है कि इस प्रकार इस घटना को अंजाम दे, क्रूर घटना को अंजाम देने वाले ऐसे पुत्र के खिलाफ वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। जी पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बरेली से खबर बता रहे हैं जहां पर युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी है। बता दें आपको कि लगातार मोटरसाइकिल की और बुलेट की मांग कर रहा था युवक अपनी मां से, और इसको लेकर लगातार बताते चले कि कहा सुनी भी होती थी, जिसके बाद गुस्से में आकर युवक ने अपनी माँ पर लोहे के एक टुकड़े से वार किया, जिसके बाद उसकी माँ की हत्या हो गई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र से सभ्या गांव के ही बिचला टोले पर मौजूद एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक गर्भवती महिला सहित उसकी 2 साल की बच्ची भी जलकर दर्दनाक मौत हो चुकी है। और घटना के समय घर पर मृतकों के सिवा ही कोई भी मौजूद नहीं था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस मृतका के पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना कोठीभार क्षेत्र में सभिया बिचला टोला पड़ता है, वहां पर एक घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए मौके पर आई। आग बुझा लिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला और उसकी छोटी बच्ची की डेथ हो गई है जलने से। जो आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है कि घर में उस समय कोई नहीं था और जो मृतका है उसका पति और ससुर दोनों बाहर थे। अभी जब अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है उसे गिरफ्त में लेके, और अभी आग लगने के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट में जो भी निकल के आगे आएगा उसके आधार पर हम प्रतिवेदी कार्रवाई करेंगे। सर, महिला गर्भवती भी थी, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी इसमें स्पष्ट जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा यह बताया गया है, बट जांच के बाद ही हम इस पर कुछ स्पष्ट रूप से कह सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।